गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है, गले से आवाज़ नहीं आ रहा है। और रक्षाबंधन 2 बजे की मुहूर्त है, तो इधर छोले उबल रहा है, उबल चुका है, इधर खीर बन रहा है। छोले में डालने के लिए मसाला, छोले मसाले डाल के टेस्ट बढ़ाएंगे, क्योंकि लहसुन प्याज नहीं डालना है। यहाँ पूजा के लिए मम्मी फल साइड कर रही है और मैंने सब्जी और खीर बना लिया, बहुत टेस्टी दिख रहा है। अभी तो पूजा के बाद खाएंगे। और कफ़ और फीवर इतना ज़्यादा हो गया कि पापा लेके आए हैं मेडिसिंस, तो यहाँ कफ सिरप ले रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कड़वा है, फेस रिएक्शन से पता चल रहा होगा। मेडिसिन खा लेती हूँ, नहाने का मन नहीं है बट घर में पूजा है तो नहाना पड़ेगा। ड्रेसेस निकाल लिए हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ, मतलब रेडी नहीं हुई हूँ, यहाँ पे अपना जो मेकअप सेकअप करते हैं ना वो कर रही हूँ मैं, बिकॉज वाई नॉट, आज राखी है। ज़्यादा कुछ नहीं, फाउंडेशन लगाएंगे, कंसीलर लगाएंगे, ब्लश, हाइलाइटर, आईलाइनर और आई शैडो, और ब्राउज़ को फिल करेंगे। और मेरे ब्राउज इतने मोटे हैं कि मैंने फिल करके रिग्रेट किया लिटरली कि नहीं करना था फिल। लिपस्टिक लगाया, इयर रिंग पहना और यहाँ पे बिंदी लगा लिया। और ये लुक इतना अच्छा लग रहा था मुझे, मैंने बोला वाह स्नेहा क्या बात है, बहुत अच्छा तुमने यहाँ पे लुक क्रिएट किया। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। दो चाहिए, दो अच्छा दे दीजिए, चेंज दे दीजिए, अर्जेंट में चाहिए। पकड़ लो, कोई नहीं कोई नहीं। हम काम के लिए वासने में ओम मंगाए स्वाहा, ओ स्वाहा, जन्ने भाग्य चारे सारे। हर रक्षाबंधन पे भैया ही मिठाई लाता है और इस बार उसे पता नहीं क्या हुआ कि उसने इतने सारा मिठाई लेके आ गया। हम सोचे हम इसे खाएंगे कैसे, और चलो बांटना पड़ेगा या वेस्ट ही जाएगा, बट इतना कोई नहीं खाने वाला है। विलम पंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरिः, ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके पुण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते कस्तूरी तैलकम ललाट पटले। अभी जो नीचे मैं राखी लेने गई थी ना, वो भैया के फ्रेंड आने वाले थे और मुझे नहीं पता था, तो अर्जेंट में मुझे नीचे से राखी लेना पड़ा। और ये दोनों मेरे भैया के फ्रेंड है, साथ में दोनों काम करते हैं और ये विदाउट फैमिली यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, तो मैं इनके सिस्टर हूँ। और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि ये दोनों आए, मैंने राखी बांधा और इन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया था, एक भैया ने चॉकलेट दिया था और एक भैया ने पैसे दिए थे, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे लिटरली। और अभी भैया, तीनों भैया अभी घर में बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे पापा ने बोला कि तुम फटाफट पूड़ियाँ बेल दो और मैं छान देता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। और पापा ऐसे नहीं कि कोई बीमार होता है, अगर मेरा मन नहीं करेगा, मम्मी का मन नहीं करेगा, तो हम पापा को बोल देते कि पापा आप बना दो खाना। और मेरे पापा सच में बहुत अच्छे, वो सारे काम कर देते हैं, और ऐसे ही लोगों को होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप आदमी हो तो आप नहीं करोगे। और यहाँ पर मैंने ना दम आलू बनाया था और छोले की सब्ज़ी, और यहाँ पर मम्मी हमारी लेके आ रही है जो भैया को देना है। कौन बनाया है ये सब? स्नेहा। अच्छे से बोलो। स्नेहा बनाई है, मैं तो पूजा में बैठी थी। भैया का चड्डी आ रहा है।
मम्मी गई भाइयों को खाना देने, और बाहर जो मिठाई थी ना मैं उसे फ्रिज में रख रही, बिकॉज गर्मी का टाइम है और बाहर चींटी भी लग जाती है, और इसे हमने अंदर रख देना चाहिए। पापा भी खाना खा लिए हैं, और जो मुझे यहाँ पे चॉकलेट्स मिले थे ना उसे मैं बाहर निकाल के अनबॉक्सिंग कर रही हूँ फटाफट से, और देख तो ऐसे रहो जैसे एक बार में सारा खा जाऊँगी। और टू बी ऑनेस्ट मुझे मीठा उतना पसंद नहीं है और मैं इतना नहीं खा पाऊँगी, बट मुझे अच्छा लग रहा है देख के कि वाह मिठाई चॉकलेट्स ये। और जो चॉकलेट्स थे ना मैंने उसे फ्रिज में रख दिया क्योंकि ऑलरेडी वो मेल्ट हो चुका था। और मैं और मम्मी दुनिया जहान की बातें लेके बैठे हैं अब, जो कि शाम के 3 बज चुके हैं, और अभी हमें टाइम मिला अपना खाना पीना करने का, बिकॉज राखी था, पूजा था, बाहर से भी भाई आए हुए थे, और बहुत ज़्यादा आज का दिन हैक्टिक भी था और बहुत अच्छा भी था। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ लिटरली। ओके, अभी शाम के बजने वाले हैं 6, और सारा काम वगैरह हो गया, और आज तो टाइम ऐसे निकला ना जैसे सुबह उठी हूँ मैं और शाम 6 हो गया है, 6 बजे। लाइक बहुत ज़्यादा काम था, लाइक खाना बनाना था, घर के साफ सफाई, और रक्षाबंधन तो था ही और पूर्णिमा भी था, तो सत्यनारायण भगवान जी का कथा होता है हर पूर्णिमा को, तो उसका बहुत ज़्यादा काम था। और थर्ड मुझे कफ एंड फीवर दोनों हो गया, और अब रक्षाबंधन काफ़ी अच्छा गया, पूजा किया हमने, मैंने जैसे तैसे खाना बनाया, लाइक फीवर में बनाया क्योंकि मम्मी को और भी बहुत ज़्यादा काम थे, इसका सब कुछ हुआ। काफ़ी ज़्यादा पैसे भी मिले मुझे, जो भैया के फ्रेंड्स आए थे उन्होंने भी पैसे दिए और चॉकलेट्स दिए 2 पैकेट, जो तो मैं सोच रही हूँ ना 2-3 दिन में मैं डाइट भी स्टार्ट करने वाली हूँ, जब मेरा थोड़ा तबीयत वगैरह ठीक हो जाए तो करूँगी, और उसमें मुझे उतना सब कुछ खा लूँ, 2-3 दिन में वो सब कुछ खा पी के ख़त्म करूँ मैं। एंड मेहंदी तो बस यही लगाया था मैंने, जो कि उतना लाल भी नहीं हुआ, ठीक ठाक है। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक सर सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल, बाई।